देखिए, जितने पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं उन सब का ये सर्वे था कि कहीं ना कहीं स्टेट में देखोगे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हर जगह कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे। और जब ये रिजल्ट आना चालू हुए हैं और जब बैलेट पेपर पे जो काउंटिंग चालू हुई, तब भी कांग्रेस पार्टी को आगे दिखा रहे थे। जहां ईवीएम खुली उसके बाद ही लोगों को संदेह चालू हो गया कि इतनी बढ़त, जबकि जहां किसी भी स्टेट में आप जाइए, बीजेपी के खिलाफ जन आक्रोश है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महंगाई हो, महिलाओं के खिलाफ हो, उत्पीड़न, तमाम मुद्दे हैं इनके पास। लेकिन इस ईवीएम खुलने के बाद कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं जिन स्टेटों में चुनाव हुआ उसमें आप देखिए, कांग्रेस के जो नेता थे, जो अगुवाई कर रहे थे, उनमें इतना अहंकार आ गया था, जिसकी वजह से ये रिजल्ट जो है, इस टाइप के रिजल्ट है। नहीं तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस टाइप का रिजल्ट आएगा। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं ना, उनका अहंकार बोल रहा था, जादू नहीं था। पब्लिक का जो दर्द था वो देखेंगे, मध्य प्रदेश में जो 18 साल की सरकार हो उसके खिलाफ इतना जन आक्रोश था, और कमलनाथ जी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस वजह से जीत रहे हैं कि उनका कोई जादू है, लेकिन जन आक्रोश था। और जहाँ देखा जाए, आपको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह समर्थन देने का वादा किया था और गठबंधन की बात की थी, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे उन्हें धोखा दिया। और अगर उनकी पार्टी का भी समर्थन होता तो रिजल्ट कुछ और ही होता। आने वाले जो चुनाव हैं लोकसभा के, जी उनको किस प्रकार देख रहे हैं आप? अब देखो, अब आगे मीटिंग होगी जब गठबंधन की, तब उसके बाद डिसाइड होगा कि हाँ आगे किस रणनीति से चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा का।